एग्जाम्पल आप हो रहे सर, नहीं बोल रहे अभी। अभी मैं बोल ही नहीं रहा, बोलता नहीं है। आवारी आवाज सही है। असल में मसला ये कि कीपैड तो चलेगा, वो दोनों हाथ से चलेगा, प्रॉब्लम नहीं है। सही है, ये आपने अपनी आईडी खोल ली, खुल गई आईडी आपकी। एग्जाम्पल ये आप खोल रहे हैं, ये मेरी आईडी खुली, लेकिन ये अपनी आईडी आप खोल रहे हैं। ओके, अब आपने प्रोजेक्ट अपलोड करना है अपना। प्रोजेक्ट अपलोड करने के लिए ज़रूरी है कि आपने इस पे जाने से पहले जो रोज़मर्रा आप अपना प्रोजेक्ट रोज़ाना की बुनियाद पर जो वक्त देंगे ना, एक घंटा दो घंटे जो भी आप लिखेंगे हिस्ट्री के अंदर कि मैं इतना काम कर सकता हूँ, 40-50 घंटे 100 घंटे जिस तरह पूरे करूँगा, प्लान जो होगा वो आपने सबसे पहले प्लान डालना है। अभी प्रोजेक्ट अपलोड नहीं करना, अपना प्लान डालना है। तो प्लान डालने से पहले आपने यकीनन सर्वे करा होगा उस जगह का, तो उस तस्वीरों को आपने अपने फेसबुक पर डालना है पहले कि मैंने जो ना ये सर्वे किया, किस चीज़ के लिए किया, डिस्कवरी के लिए किया, इस क्यों आज क्यों किया, इसका उड़ा था वर्ल्ड अवार्ड हासिल करने के लिए किया। सही है, पहले तो ये तो नोट कराया, उनको कहते हैं ना नोट कराना पहले। सही है, आगाही इतला इतला। सही है, तो अब हम मिसाल के तौर पर अपने फेसबुक एक्सप्लोरर पर गए। सही है, और इस पे नीचे आज क्या लिखा हुआ है, क्रिएट। अब आपके सामने क्या लिखा हुआ है, हाँ, इस पे दो चीजें हैं, प्रोजेक्ट और पोस्ट मीन यूज। अब आप चले गए यूज के ऊपर, ये क्रिएट स्काउट न्यूज खुल गया। सही है, नंबर वन आपने क्लिक किया लैंग्वेज को, इंग्लिश आ गई। सही है, चाहे तो आप उर्दू भी लिख सकते हैं, इसमें उर्दू भी है, उर्दू भी है, उर्दू ये उर्दू में भी अपना प्रोजेक्ट डाल सकते हैं आप। उसकी बुनियादी वजूहत ये है कि आपके दूसरे पाकिस्तानी दोस्त अगर आपके प्रोजेक्ट को देखेंगे तो हो सकता है कि उनके लिए आपका प्रोजेक्ट एक मछले राह भी हो। सही है, तो ये हो गया, मैंने उर्दू ली थी, एग्जाम्पल उर्दू ली थी मैंने। अब हेडलाइन क्या है, हेडलाइन ये है कि रोटी बैंक, मिसाल के तौर पर रोटी बैंक, मिसाल के तौर पर पोलियो ड्राइव, मिसाल के तौर पर COVID-19 ड्राइव, अवेयरनेस ड्राइव। सही है, मिसाल के तौर पर ट्री प्लांटेशन, मिसाल के तौर पर फूड डिस्ट्रीब्यूशन, मिसाल के तौर पर क्वालिटी एजुकेशन फॉर कंप्यूटर, फला फला स्किल्स, जो भी आप स्किल्स चॉइस कर रहे हैं, जैसे कि मुख्तलिफ लोगों ने अपने अपने यहाँ पर ओपिनियन दिए थे, जो भी लीड करता है इसको। सही है, यह आपने यहाँ पर हेडलाइन डाल दी। उसके बाद टॉपिक क्या होंगे इसके अंदर, टॉपिक क्या है, असल टॉपिक क्या है, यूथ प्रोग्राम, क्योंकि आप यूथ से वाबस्ता है, यूथ प्रोग्राम है टॉपिक। अब इस पर यूथ प्रोग्राम भी है, आप चाहते हैं यूथ को इंगेज भी किया आपने, इसको भी क्लिक करेंगे। मिसाल तो मैंने यूथ प्रोग्राम भी किया। सही है, और ये भी किया मैंने। सही है, तो ये आ गया। अब आप आगे चलेंगे, अब डिस्क्रिप्शन क्या है, आप क्या करने जा रहे हैं, कि मैंने प्लान किया है, मैंने मंसूबा बनाया है, स्काउट ऑफ द वर्ल्ड अवार्ड हासिल करने के लिए एक मंसूबा बनाया है, इस मंसूबे का नाम फला फला है, ये मंसूबा मैं जो है अगले 2 हफ्ते बाद फला तारीख से फला तारीख तक शुरू करने जा रहा हूँ, इसका स्टार्ट जो होगा वो फला दिन से होगा, इसके स्टार्ट के अंदर मैं रोज़ाना 2 घंटे की बुनियाद पर काम करूँगा। सही है, और वो जब 40-50-100 घंटे जितने भी लगते हैं एक्स्ट्रा, ये आपके जब घंटे पूरे हो जाएंगे तो मैं ये कहना, मैं इससे हमारी कम्युनिटी को क्या फ़ायदा होगा, और इस ये तमाम चीज़ें आपने लिख दी। सही है, ये प्रोजेक्ट का नाम हो गया, प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन हो गई। अब ये पूछ रहा है कि आपके पास, आपने जो सर्वे किया था ना आपने, एग्जाम्पल सर्वे किया था हमने यहाँ पर किया जाकर, तो अब मैं सर्वे के लिए क्या कर रहा हूँ, चूज अ फाइल, मेरे पास डेस्कटॉप पे मौजूद है। सही है, डेस्कटॉप पे मेरे पास उस फाइल मौजूद है, मैं उस फाइल को
डाल दिए, मैंने लोड कर दिए इसको, अब इधर आना अपलोड करने के लिए। ये अपलोड हो रही फाइल, सही हो गई, नजर आ रही तस्वीर आपकी, कहां की आईडी है, कुछ बहुत दूर से नजर आ रही है आपको। यस सर, ये वहां की जब मैं डिस्कस कर रहा था आपसे सर्वे के लिए, सही है। अब इसके अलावा भी अगर आप यहां से जाने के बाद, मेरे पास जाने के बाद जहां जहां आपने प्लान किया है, जगह चेक की है, उसकी तस्वीरें नेक्स्ट में आप डाल सकते हैं, लेकिन उसका साइज छोटा होना चाहिए, कम से कम साइज हो, वो इसकी एक डिमांड है, उस डिमांड के मुताबिक। तो नेक्स्ट फाइल आप यहाँ से चूज कर सकते हैं, सही है, या आपने कर लिए, या अगर आप इस फाइल से अटैचमेंट भी लगा सकते हैं कि अगर आप पार्टनरशिप में कुछ काम कर रहे हैं तो जो मुआहदा हुआ आपका मुख्तलिफ एनजीओ से कोई भी काम कर प्रोजेक्ट को करने के लिए, उसकी फाइल भी आप इसमें अपलोड कर सकते हैं। ये तो हो गया न्यूज का सिलसिला चल रहा है कि आप अभी गौसम को बता रहे हो कि मैं काम करने जा रहा हूँ सावर के लिए। अब इस पे एसडीजीज के कौन कौन से गोल जो हैं वो आपके प्रोजेक्ट पर सपोर्ट करते हैं, लिंक करते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने आपको बताया कि हम जो है वो अवेयरनेस दे रहे हैं कोविड-19 की, जो डिस्क्रिप्शन ऊपर है उसके मुताबिक होना चाहिए। अगर हम अवेयरनेस दे रहे कोविड-19 की, गुड हेल्थ में आ गया वो, सही है, तो हमने क्या करा, गुड हेल्थ वाले को सस्टेनेबल गोल्ड, गोल नंबर कौन सा है वो, थ्री को आपने क्लिक किया, थ्री के अलावा भी अगर इसको लिंक कर रहे हैं तो वो भी आप चॉइस कर सकते हैं, सही है, इसमें आ गया। अब ये नीचे लिखा हुआ सेव ड्रॉप एंड पब्लिश, अभी इस पे नहीं जाना आपने, सही है। अब आप आ जाए यहाँ पर, ये टैग कर रहे हैं आप इसको डब्ल्यू वर्ल्ड स्काउट ऑर्गेनाइजेशन को, तो वो सब लिखते हैं आप यहाँ पर। अगर आपकी कोई एक्स्ट्रा वीडियो है आपके पास की, तो आप इस पे वीडियो का लिंक डालेंगे, कैसे कि आपने अगर फेसबुक पे जो लिंक हुआ है, क्या बोलते हैं, आपने डाली थी तो इस तरह आएंगे, अभी बताता हूँ आपको, एट द फाइल जिस तरह गए, तो जहाँ आपने सेव किया वहाँ से उठाकर आपने इसको यहाँ पर अपलोड कर दिया, सही है, और इस पर ये लिंक भी डाल दिया आपने, सही है। इसका एंड अदर फाइल है कोई आइटम है तो आप भी डाल सकते हैं इसके अंदर, सही है। ये तो हो गई आपकी न्यूज़ प्रोजेक्ट करने से पहले, सही है। अब हम वापस जाते हैं, ये समझ गए, ये कोई प्रॉब्लम है नहीं है प्रॉब्लम, ये तो वो है जो आप अपने काम को करने से पहले आगाह कर रहे हैं, इसका फायदा है, आप चाहे इनाज नहीं भी कर सकते, लेकिन इसका फायदा ये है कि जो इस पूरे सिस्टम को मॉनिटरिंग कर रहा है ना, वो ऑटोमेटिक तौर पर आपको देखता है, सही है, कि इसने तरीके का इस्तेमाल किया, सही है। अब हम चले आते हैं प्रोजेक्ट की तरफ, सही है। अब वो आपका काम खत्म हो गया, अब आपका प्रोजेक्ट तैयार हो गया। अब आप पहले दिन आपने फेसबुक पे सारी चीज़ डाली, पहले दिन जो भी काम किया आपने, प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लिया आपने, पहले दिन आपने फेसबुक पे चीज़ें डाली अपनी, और वो सेव भी कर तस्वीरें डेस्कटॉप के ऊपर, सही है। दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, जब आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए, 80 घंटे से ऊपर हो जाए आपके, तब आप आ गए इसके ऊपर, प्रोजेक्ट के ऊपर। अब ये प्रोजेक्ट आपने क्लिक किया, अब आपने प्रोजेक्ट डालना है, न्यूज़ ऑलरेडी आपकी डली हुई है, सही है। अब वो ये पूछ रहा है कि लैंग्वेज कौन सी, आप जो चाहे लैंग्वेज इस्तेमाल करें। टाइटल क्या था, COVID-19 के हवाले से आपने, सही है। अब यहाँ पर चीज़ें मुख्तलिफ हो जाएंगी, प्रोजेक्ट का पीरियड क्या था आपका, फला तारीख से लेकर फला तारीख तक, उसको मैच करना चाहिए जो आप न्यूज़ पे दे चुके हो, सही है। अब जो है यहाँ पर वही डिस्क्रिप्शन आई कि मैंने शुरू किया, इस तरह शुरू किया मैंने, सही है, और ये मकासद मुझे हासिल हुए, और मैंने अपने इलाके के इतने स्काउट्सों को अपने साथ मिलाया, इतने नॉन स्काउट को भी साथ मिलाया, सही है, उनके नाम भी चाह नहीं सकते, जगह का एक कोई इंतखाब किया था उसका, उसको भी कर सकते हैं आगे जाकर, उसकी वो कहना में लोकेशन ही मांगे अगर चलूँगा तो। ये डिस्क्रिप्शन हो गया आपका, अब प्रोजेक्ट करने का जो कर लिया आपने, सही है। अब आप आए दोबारा अटैचमेंट फाइल, अब फाइलें जितनी है आपके पास, कम से कम 5 तस्वीरें होगी इसकी, बस इससे ज़्यादा नहीं, और एक्शन की तस्वीरें बी4 की आपने डाल दी है पोस्ट के ऊपर कि उसका हाल क्या था, ज़मीन का हाल क्या था, या मिसाल दे रहा हूँ इलाके का हाल क्या था, कि लोग जो ना मास्क लगाए घूमे थे, सही है, उसके बाद मास्क लगाने की ज़रूरत पेश आई है, तो अगर वो कम से कम होना शुरू हो गया, सही है, और उस हॉस्पिटल जो लोग हॉस्पिटल जा रहे थे उसकी तादाद लिखी हुई है आपके पास इलाके की, भाई हॉस्पिटल कोविड-19 की वजह जा रहे थे, अब क्या तादाद है इसकी, उस टाइम क्या तादाद थी, आपकी अवेयरनेस से क्या फ़ायदा, सही है। इसके अंदर वो तस्वीरें आपने देखेंगी एक्शन की,
ऐसा नहीं कि मैं माफ दे रहा हूँ लोगों को या ग्रोशर दे रहा हूँ लोगों को, वो भी बेचारा देख रहा तस्वीर की तरफ और आप भी देख रहे हो, एक्शन चाहिए। सही है, 5 तस्वीरें ये एक्सेप्ट करेगा। सही है, अगर आपको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर या कोई NGO आपने शामिल किए वो आपको एप्रिसिएशन का सर्टिफिकेट देता है लेटर की सूरत में, तो वो अटैच कर सकते हैं इस फाइल के साथ। सही है, सेकंड फिर SDGs वही कि कौन सा लिंक कर रहा था SDGs। सही है, और ओरिजिनल प्रोजेक्ट क्या है आपका, वही जो आपने नाम दिया था, क्या था अवेयरनेस ओरिजिनल प्रोजेक्ट। अब आ गया ऊपर, यहाँ पर टॉपिक आ गया, टॉपिक क्या था, कितने घंटे आपने दिए। सही, उसके बाद हाँ जितने भी आपने घंटे दिए ये घंटे लिख दिए जाएंगे यहाँ पर, और आपकी कंट्री कौन सी है सेलेक्ट। सही है, ये कंट्री आ गई, फिर पार्टिसिपेंट कितने थे आपने जो अपने साथ इंगेज करे, वो स्काउट होगा वर्ल्ड अवार्ड के लिए नहीं थे, आपके हेल्प के लिए थे, वरना ये होगा ये ग्रुप का अवार्ड आ जाएगा, ये इंडिविजुअल आपके लिए। सही है, अब आप लिंक पार्टिसिपेंट लिंक डालेंगे कौन से, जो आपने प्रोजेक्ट मुकम्मल करने के लिए 4-5 तस्वीरें खींची थी फेसबुक को, आप खोलेंगे उस तस्वीर को खोलेंगे तो टॉप पर लिंक आता है ना, उसकी कॉपी उठाकर उस पर पेस्ट कर देंगे। सही है, एन अदर लिंक अगर कोई आपके पास है तो वो भी आप आइटम डाल सकते हैं वीडियो की सूरत में। सही है, ये आपका प्रोजेक्ट अपलोड करने का तरीकेकार है, और फिर यहाँ पर आकर आप पब्लिश कर देंगे। सही है, अब मैं एक दफा फिर बता, या हो गया क्लियर ही है, क्लियर है। हाँ आप सवाल करें सर, वो जो नहीं, अब आप तो टोटल प्रोजेक्ट डाल रहे हैं ना अपना, रोजाना वाले तो फेसबुक पे डाल रहे हैं, आप रोजाना की एक्टिविटीज तो फेसबुक पे डाल रहे हैं। जब आप लिंक भेजेंगे ना अपना, एक लिंक भेजेंगे सिर्फ एक तस्वीर का लिंक भेजेंगे आप, तो वो खोलेंगे आपके लिंक को तो सारी तस्वीरें चेक कर लेंगे आपके रोजाना के बुनियाद पर। वो हमसे ज़्यादा बहुत तेज है, उन्हें हर चीज़ जैसे ही आपका अवार्ड नहीं आ जाएगा कि आप मैंने साइन कर दिए या डॉक्टर साहब ने साइन कर दिए पाकिस्तान से ओके हो गया, चलो मैं आगे बढ़ रहा हूं। आप घोड़े को जानते हो बहुत अच्छी तरह, छिटी नहीं करता, तो वो आपकी तमाम चीज़ें चेक करें। जब वो एक दफ़ा क्लिक करेगा तो आपकी फेसबुक की आईडी खुल जाएगी ना, पूरी जो जो आपने पोस्ट की है वो चेक कर लेगा आपको खुद ब खुद। मेरे साथ भी ऐसे हुआ है, मेरे को जो FBR का मैसेज ऑफ पीस का हेरो का अवार्ड मिला है उसी में जाना मिला, ऐसे नहीं हुआ कि मतलब उन्होंने आंखें बंद कर दी। मैं 6 महीने डालता रहा हूँ, 6 महीने का प्रोजेक्ट था जी। सावा पे अभी नहीं डालना, सावा पे तो आपने इनको इन्फॉर्म करने के लिए डालना है, जिसको अपने कोऑर्डिनेटर को ये डालना है फेसबुक पे। सावा का अलग, सावा का जो पेज बन रहा है यहाँ पर जो कुछ भी बन रहा है वो अलग है, लेकिन फेसबुक पे डालना वो लिंक का है, का मांग रहा है वो लिंक, आप व्हाट्सएप का लिंक थोड़ी मांग रहे हो, वो मांग रहे हैं सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर डालें आप या फेसबुक पर डालें, वो जो तस्वीरें एक दम एक लिंक किसी पर आया था उसकी डेटा फॉलो किया जाता है। सही है, अब आपने यहाँ पर आगे पब्लिश कर दिया, सामने दिखावा आ जाएगा आपको आपका कि आपका अगर पब्लिश नहीं हुआ तो क्या वजुआत है, कोई चीज़ कमी बेची है। सही, वो टॉप पर आ जाएगा, वरना ये दिखावा आएगा कि आपका जो पब्लिश सक्सेसफुल हो गया। अब इन केस आपसे कोई गलती हो गई, आपने सोचा कि मुझसे गलती हो गई, मैंने आदत शुमार गलत लिख दिए, मैंने जगह का इंतखाब जो लिखा था वो गलत लिख दिया, दिमाग से निकल गया, तो कोई मसला नहीं हुआ। सही, अब आप वो प्रोजेक्ट डल चुका है, मिसाल के तौर पर प्रोजेक्ट वो डल चुका है, तो जहाँ पर आएगा माई कॉन्टैक्ट वो प्रोजेक्ट वहाँ पर आएंगे आपके। सही है, अब मैं आपको दिखाता हूँ मेरा जो प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है, ये मेरा प्रोजेक्ट पड़ा हुआ ग्रीन एंड ग्रीन पाकिस्तान स्काउट्स टेबल ग्रुप। सही है, ये मैंने डाला इस पर क्लिक किया, इसको आपने अपना प्रोजेक्ट डाला हुआ, एग्जाम्पल ये आपका प्रोजेक्ट डाला हुआ है, तो अब यहाँ पर आप ये मैंने लिखा ना, आप ये देखेंगे मैंने ये पूरा डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, इसमें मैंने क्या क्या किया, 1200 बच्चे थे मेरे पास, इसमें मैंने क्या क्या फॉर्म पे काम किया, सारा सब कुछ लिखा हुआ है, तस्वीर भी डाली है मैंने एक तस्वीर डाली है। सही है, लेकिन आप चाहते हैं ना कि मेरे ये 1200 बच्चों को मैंने 5-6 दिन तक ट्रेनिंग दी, तो 1200 ये अलग प्रोजेक्ट है, ये मल्टीप्लाई होगा 1200 से 8 घंटे रोजाना की बुनियाद पर, तो मेरे 50,000 कुछ ये आवाकार बने थे। सही है, लेकिन ये आपका स्काउट होगा वर्ल्ड अवार्ड भी इस तरह नहीं चलेगा। अब आप यहाँ पर अगर एडिटिंग करना चाहते तो ये पेन बना हुआ ना एडिटिंग का, ये एडिटिंग जब आप करेंगे एडिट करेंगे आप, तो जो चाहे आप उसमें दोबारा खोलिए देखिए आप। सही है,
खुल गया दोबारा ये, अब इसमें आप जो चीज करना चाहे कर सकते हैं। कोई सवाल सर? अब देखिए मेरे टॉपिक में क्या कहता है, यूथ प्रोग्राम, यूथ इंगेजमेंट, स्काउटिंग,